नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी जिले के रामस्नेही घाट कोतवाली क्षेत्र में लुधियाना पंजाब से यात्रियों को भरकर बिहार जा रही एक डबल डेकर निजी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस बचाव कार्य में जुट गई है, साथ ही बस के नीचे फंसे शवों को निकालने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें 19 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया जा चुका है और बताया गया है कि लुधियाना से सवारियां भरकर बिहार जा रही थी एक निजी डबल डेकर बस जिले में रामस्नेही घाट कोतवाली क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई है। मंगलवार देर रात बस अयोध्या हाईवे पर खराब हो गई थी। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने तेज रफ्तार ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। जिस समय हादसा हुआ उस समय भारी बारिश होने के चलते बचाव कार्य में भी समस्या आई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल ले जाने के साथ मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद बस से यात्रियों को बाहर निकालने में सफलता पाई और राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। बता दें इस घटना के बाद से हाईवे पर जाम लगा रहा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मृतकों में सभी लोग बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में यूएसएड निष्ठा पथ संस्था के राज्य प्रभारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट भी की गई। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में यूएसएड निष्ठा पथ संस्था के राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा ने मुलाकात कर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। संस्था के राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर संस्था की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएसएड निष्ठा पथ संस्था ने अब तक राज्य में 129 स्वास्थ्य केंद्रों में 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्था की तरफ से उपलब्ध आए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर तरीके से हो सके इसके लिए भी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूएसएड निष्ठा संस्था की तरफ से किए जा रहे कार्यों की सराहना की और राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा सहित पूरी टीम को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण काल में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया है। झारखंड में सरकार गिनाने की साजिश की जांच कर रही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई साक्ष्य मिले हैं। दरअसल जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम ने होटल विवांता के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। इसमें होटल के निकलने के बाद झारखंड के तीनों विधायक के जयकुमार बेलखड़े के साथ जाने की बात सामने आई है। पुलिस की टीम अभी भी दिल्ली में कैंप कर रही है ताकि मामले में और साक्ष्य एकत्रित किए जा सके। वहीं साक्ष्य एकत्रित करने के बाद पुलिस इसे अनुसंधान के दौरान न्यायालय में भी पेश करेगी। साथ ही बता दें कि इस मामले में जेल गए अभिषेक दुबे ने अपने बयान में बताया था कि रांची से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के बाद एयरपोर्ट से तीनों विधायक एक साथ इनोवा गाड़ी से होटल विवांता पहुंचे थे। 5 मिनट के बाद वहां तक एक मर्सिडीज गाड़ी पहुंची और इसके बाद जयकुमार बेलखड़े तीनों विधायकों की गाड़ी में अपने साथ लेकर कई बड़े नेताओं के आवास पर पहुंच गए। इधर रांची में पुलिस की टीम ने जांच के दौरान होटल लीलेक का सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया है। बता दें फुटेज में जयकुमार बेलखड़े दिख रहे हैं। इस बात की भी पुष्टि होती है कि वो छापेमारी के दौरान होटल में ही मौजूद थे। उनके साथ होटल में महाराष्ट्र के मोहित भारतीय, आशुतोष ठक्कर और अमित कुमार यादव भी मौजूद थे, क्योंकि पुलिस ने अनुसंधान की कड़ी में उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी होटल से बरामद की है। इस तरह से पुलिस की जांच में तकनीकी और भौतिक साक्ष्य मिले हैं। उसके आधार पर ही जयकुमार बेलखड़े सहित चारों के रांची आने की पुष्टि हुई है। हालांकि जयकुमार बेलखड़े ने अपने बयान में कहा है कि वो कभी झारखंड नहीं गए हैं।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को हाईकोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में पेश अपने जवाब में बताया कि सीमांकन आरक्षण और चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कई याचिकाएं अदालतों में लंबित है। इन पर फैसला आने पर ही कोरोना की तीसरी लहर का आकलन करने के बाद निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से इस बारे में विचार विमर्श भी करेगा। इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। और इससे पहले बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई की बैठक में प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश भी दिए थे। आयोग ने कहा था कि राज्य में 15 सितंबर से 337 नगरीय निकायों और दिसंबर से पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू की जाएगी। वहीं हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अगर स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं तो पूरा सरकारी तंत्र इससे प्रभावित हो जाएगा और इस बीच अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। याचिका में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी के पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि एमपी में भी नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ होने तक रोके जाएं। तो बता दें कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एमपी में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यूपी में भी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में जो हुए थे उनका भी हवाला दिया गया था और कहा गया था कि अगर एमपी में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, तो पहले पूरी तरह आकलन किया जाएगा तीसरी लहर का कोरोना की और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि पंचायत चुनाव एमपी में कब कराने चाहिए। और अभी फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव नहीं कराने की मांग की गई है और इसे स्थगित करने की भी मांग की गई है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल विपक्ष तो इसका दावा करता ही था। कई बार एनडीए से जुड़े लोगों ने भी ये कह दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया था कि एनडीए में मंत्री और विधायकों की नहीं सुनी जाती है। अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनकर पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद से बिहार की सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए में हो रहे घटनाक्रम को खेला बताया है और कहा है कि इस खेले से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है और स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गांधी मैदान में तिरंगा फहराएंगे। तो बता दें एनडीए में काफी खलबली इस समय मची हुई है। वीरेंद्र भाई ने कहा है कि एनडीए में अभी खेला चल रहा है और नीतीश कुमार की सरकार कुछ ही दिनों में जल्द ही गिर जाएगी और 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ही गांधी चौक से झंडा फहराएंगे और सीएम पद पर वो होंगे और उसके तहत ही वो झंडा फहराएंगे। हालांकि कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वीरेंद्र भाई ने कहा है कि एनडीए में खेला हो रहा है और एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन एनडीए की तरफ से अगर कहा जाए तो एनडीए लगातार ये कह रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन विपक्ष भी लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि एनडीए में अभी भी फूट है। और ऐसे में अब भाई वीरेंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार जल्द ही गिर सकती है और अब खेला एनडीए में हो रहा है और जल्द ही 15 अगस्त को सीएम पद के पर तेजस्वी यादव बैठेंगे और झंडा भी वो फहराएंगे। केंद्र सरकार ने असम और मिजोरम की सीमा पर हुई हिंसा का संज्ञान लेते हुए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाई है। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला असम मिजोरम सीमा पर अचानक हिंसा भरने के मामले पर चर्चा के लिए बुलाई गई इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। मुख्य सचिवों और डीजीपी की इस बैठक में शांति फॉर्मूला तैयार किए जाने की संभावना है ताकि इन दोनों राज्यों की सीमा पर दोबारा हिंसा ना हो सके। वहीं केंद्र सरकार असम और मिजोरम सरकारों के लगातार संपर्क में
हैं और वो स्थिति को शांत करने का प्रयास भी कर रही है। बता दें सोमवार को मिजोरम पुलिस की तरफ से असम के अधिकारियों पर गोलियां चलाने से असम पुलिस के 5 कर्मी मारे गए थे, जबकि एक पुलिस अधीक्षक समेत 50 लोग घायल भी हुए थे। वहीं असम की बराक घाटी के कछार, करीमगंज और हाइलाकांडी जिलों में 164 किलोमीटर लंबी सीमा मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और ममित जिलों से सटी हुई है। पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण के आरोपों और छिटपुट झड़प के बीच अंतर्राज्यीय सीमा पर हिंसा हुई और असम पुलिस के 5 कर्मी घायल हो गए थे। इस हिंसक घटना के महज 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से के साथ बातचीत की थी और लंबित सीमा विवाद के समाधान की आवश्यकता पर ही बल दिया था। तो बता दें कल असम और मिजोरम के बीच काफी हिंसक झड़प हुई और दोनों राज्यों की तरफ से काफी हिंसा हुई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी की जान चली गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। जिसको देखते हुए आज गृह सचिवों की एक मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई। हालांकि केंद्र सरकार ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। गृह मंत्री भी लगातार संपर्क में हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और बातचीत कर रहे हैं। इसी को लेकर आज मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई है और तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितनी ज्यादा हिंसा वहां पर भड़क गई थी। दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर यह हिंसा हुई थी, जिसमें 6 पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। एक तरफ जहां देश में रोजाना नए कोरोना केस की संख्या घट रही है, वहीं केरल से इससे जुड़ी एक चिंताजनक समस्या सामने आ रही है। दरअसल केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां पिछले 50 दिन में पहली बार 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं केरल में मंगलवार को कोविड-19 के 22,129 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,05,245 हो गई है। वहीं जांच संक्रमण दर फिर से 12% को पार कर गई है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में 156 लोगों की कोरोना के चलते जान भी चली गई और उसके बाद ही मृतकों की संख्या बढ़कर 16,326 हो गई। बता दें 13,145 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद राज्य में कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 31,43,043 हो गई है। वहीं राज्य में कुल 1,45,371 एक्टिव केस बचे हैं। बता दें राज्य के 5 जिलों में संक्रमण के 2,000 से ज्यादा अभी भी मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा 4,037 मामले मल्लापुरम से सामने आए हैं। तो बता दें लगातार देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद तमाम राज्यों में कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केरल ने एक बार फिर से हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। लगातार केरल में मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से केरल में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि जान गंवाने वाले लोगों की भी संख्या केरल में बढ़ी है। इसीलिए केंद्र सरकार से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक हर कोई चिंता में है, जिस तरह से केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत दिल्ली के 30 स्कूल अकेडमिक ईयर 2021-22 में नवगठित दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि DBSE से एफिलिएटेड होंगे। इसके साथ ही इसमें 20 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस भी शामिल किए जाएंगे, जो कई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले क्लास 9 से 12 के छात्रों के लिए 15 अगस्त तक शहर में लॉन्च कर दिए जाएंगे। नए बोर्ड के तहत एफिलिएटेड होने वाले ये पहले स्कूल होंगे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में और DBSE की आम बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक संबद्ध होने वाले 30 स्कूलों में 20 SOSE और 10 सामान्य स्कूल शामिल होंगे। SOSE क्लास 9 से 12 तक स्पेशलाइज डोमेन में होंगे, वहीं जर्नल स्कूल नर्सरी से क्लास 8 तक के होंगे। बता दें उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है, जहां पर कहा गया है कि 30 स्कूल DBSE से एफिलिएटेड होंगे, सरकारी स्कूल होंगे जिनमें कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक शामिल होंगे। हालांकि कुछ स्कूल SOSE के तहत होंगे, जबकि कुछ स्कूल नॉर्मल होंगे जिनमें स्पेशलाइज्ड शिक्षाएं जो हैं वो बच्चों को दी जाएंगी और हर कोर्सेज की पढ़ाई जो है वो बच्चों को कराई जाएगी।
ललितपुर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिले के थाना सौजना के गांव कोरवास में कैंप लगा था, लेकिन गांव के प्राइमरी विद्यालय लगे कैंप में टीका लगने की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो वैक्सीनेशन न होने से नाराज थे और इसके बाद पुलिस ने गाँव वालों को समझाने की कोशिश की। इस बीच एक शराबी युवक भीड़ से निकल कर और पुलिस कर्मी पर लाते चलाने लगा। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से खदेड़ दिया। तो ललितपुर का ये पूरा मामला है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर ये बवाल हुआ, जहां पर लोग वैक्सीन नहीं होने के दौरान नाराज दिखे। वहीं एक शराबी युवक था जिसने पुलिस, तस्वीरें आप देख सकते हैं पुलिस पर ये शराबी युवक किस तरह से लात चला रहा है, जिसके बाद पुलिस ने भी हल्के बल का प्रयोग किया और मौके से भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं थी, लेकिन लोगों की काफी भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक वहां भीड़ में शराबी युवक मौजूद था जिसने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा और मौके से भीड़ को वहां से खदेड़ा गया। गाजीपुर के थाना क्षेत्र में हथियारों ने खेत की जुताई करा रहे युवक को फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में बवाल हो गया, जिसके बाद पहुंचे सैदरपुर कोतवाली राजीव सिंह ने परिजनों और ग्रामीणों को किसी तरह समझाया बुझाया और करीब 2 घंटे बाद शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहीं अस्पताल में ही पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक ट्रैक्टर चलाता था और जब वो सियावा कॉलेज के बगल में पूर्व ग्राम प्रधान हरीश चंद्र यादव के खेत की जुताई करा रहा था, तभी वहां मुंह बांध करके 2 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और अक्रम को पास बुलाया। जैसे ही युवक उनके पास पहुंचा, तभी दोनों बदमाशों ने असला निकाल कर उसे फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया। तो गाजीपुर का यह पूरा मामला है जहां पर युवक खेत की जुताई कराने के लिए गया हुआ था और वहां पर बाइक सवार 2 बदमाश मौके पर पहुंचे, मुंह बांधकर बदमाशों ने युवक को अपने पास बुलाया, जिसके बाद युवक को फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया, जिसके बाद से ही मौके पर युवक की मौत हो गई। वहीं जब इस पूरे मामले के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा। वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव को भेज दिया गया, साथ ही परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी दी। जनपद गाजीपुर में सैदपुर थाना अंतर्गत सिहावा गांव में आज सायं 6 बजे के आसपास भिखईपुर निवासी अकरम पुत्र सरफुद्दीन, जो ट्रैक्टर से खेत जोतने का किराए पर काम कर रहे थे, सिहावा गांव में श्री हरिश्चंद यादव के यहाँ ट्रैक्टर से कार्य कर रहे थे। उसके बाद जब वो ट्रैक्टर खड़ा करके हरिश्चंद यादव जी के साथ बैठ करके वार्ता कर रहे थे, उसी समय कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना पर इनको तत्काल अक्रम को सीएससी सैदपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया और मौके पर पुलिस बल पहुंचा। प्रारंभ में आपसी विवाद इन्हीं भिखईपुर के गाँव के निवासी नसीम का नाम आ रहा था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा कार्य किया, लेकिन बाद में मृतक अकरम की मां श्रीमती फरजाना ने थाना सैदपुर में तहरीर दे करके 4 लोगों को, गुलशन यादव, संतोष यादव आदि 4 व्यक्तियों को नामित किया गया है। उनकी तहरीर पे धारा 302 आईपीसी के तहत थाना सैदपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर्विलांस और स्वाट की टीम भी लगी हुई है, साक्ष्यों को संकलित कर जो लोग भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक बैंक मैनेजर की काली करतूत पकड़ में सामने आई है। दरअसल बैंक मैनेजर पर अलग अलग खाता धारकों के खातों से करीब 27 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम गोलमाल करके अलग अलग खातों से एक अकाउंट में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। बता दें खाता धारकों को जब तक इसकी भनक लगी तब तक मैनेजर ने खाते खाली कर दिए थे। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामले की जांच के बाद अब जाकर बैंक मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बता दें किसानों के खातों से बैंक मैनेजर ने 27 लाख से ज्यादा रुपए उड़ा लिए हैं। बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर किसी को भनक भी नहीं थी बैंक मैनेजर कि ये काली करतूत अब सामने आई है, जिसके बाद पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस अब जांच में जुट गई है। दरअसल बैंक मैनेजर पिछले काफी लंबे समय से किसानों के खातों से पैसे निकाल रहा था और एक सब अकाउंट से पैसे निकालकर एक अकाउंट में ट्रांसफर वो पैसे किए जा रहे थे, लेकिन किसी को भी इस पूरी घटना की कोई भी भनक नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला पुलिस में दर्ज करा दिया गया है। थाना मीरगंज में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक श्री सौरभ त्रिवेदी ने एक FIR पंजीकृत कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध ऑडिट में कुछ आपत्तियां लगाई गई थी, जिनके कारण जो है विभागीय कार्रवाई हुई थी और जांच में ये पाया है कि उन्होंने कई किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके अकाउंट में जो पैसा गया था उन्होंने वो निकाल दिया है और ये पैसा अनियमित तरीके से निकाला गया है और जांच में वो दोषी पाए गए। इसके संदर्भ में पूर्व जो बैंक मैनेजर थे कपिल कुमार के विरुद्ध 406-409 ITC का मुकदमा थाना बीरगंज में पंजीकृत होकर उसकी विवेचना की जा रही है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में मोबाइल छीन कर रफू चक्कर होने वाले दो लोगों को स्थानीय नागरिकों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रावली महदूद क्षेत्र में लंबे समय से पकड़े गए अभियुक्तों की तरफ से अपने आप को फैक्ट्रियों का ठेकेदार बताकर लोगों के मोबाइल में अपना नंबर फीड करने के बहाने फोन लेकर रफू चक्कर हो जाने के कई मामले हो चुके हैं, जिसके बाद ही स्थानीय लोग काफी समय से इन लोगों की तलाश कर रहे थे, जिसके चलते दो लोगों को स्थानीय नागरिकों की तरफ से पकड़ लिया गया और जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद चलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की तरफ से पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को अपने साथ थाने ले गई। तो बता दें हरिद्वार का ये पूरा मामला है, स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ा है, मोबाइल चोर का पुलिस को हवाले कर दिया है। दरअसल ये लोगों से मोबाइल चुरा लिया करते थे और पिछले लंबे समय से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद इनसे स्थानीय लोग काफी परेशान थे। वहीं जब कल एक घटना को अंजाम दे रहे थे तो स्थानीय लोगों ने इन दोनों ही चोरों को मौके से पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के हवाले इन दोनों चोरों को कर दिया। राजस्थान कांग्रेस में पिछले करीब एक साल से जारी गुटबाजी को खत्म करने की कवायद अब शुरू होने जा रही है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब का झगड़ा निपटाने के बाद राजस्थान का रुख करते हुए केसी वेणुगोपाल और अजय माखन को राजस्थान का फसाद निपटाने की जिम्मेदारी दे दी है। पहले चरण में रविवार को दोनों नेता जयपुर आए थे और CM अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद काफी विधायकों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब दूसरे चरण में आज सुबह से शुरू और वो अब राजस्थान के प्रभारी अजय माखन एक एक करके सभी विधायकों से जिलेवार तरीके से मुलाकात करेंगे। साथ ही माखन के विधायकों से संभावित मुलाकात से पहले ही राजस्थान के गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। किसकी कुर्सी जाएगी और किसका होगा मंत्री पद पर ताजपोशी, ये सब बातें अब सियासी गलियारों में सुनाई दे रही हैं। वैसे इतना तय है कि राजस्थान में कांग्रेस के सभी विधायकों को साथ पाना माकन समेत कई सभी नेताओं के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसकी बड़ी वजह है कि दो हिस्सों में विभाजित राजस्थान कांग्रेस, दरअसल एक तरफ अशोक गहलोत का खेमा है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का खेमा। ये देखना काफी रोचक होगा कि किस खेमे को संभावित फेरबदल में ज्यादा तवज्जो मिलती है।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इन दिनों अपने दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होनी है। इसके अलावा ममता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करने वाली हैं। वहीं मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। साथ ही ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे की चर्चा लुटियन जोन के गलियारों से लेकर पार्क स्ट्रीट की गलियों तक है। वहीं ममता ने पीएम से मुलाकात के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को पेगागस विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और उच्चतम न्यायालय नीति जांच कराने का फैसले पर भी चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ये बताने से भी इनकार कर दिया था कि क्या उन्होंने पेगागस विवाद पर मोदी के साथ चर्चा की है। साथ ही ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी पार्टियों की एकता अपने आप आकार ले लेगी और ये पूछे जाने पर कि क्या वो विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व करेंगी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि देश विपक्षी एकता का नेतृत्व करेगा। साफ है कि ममता दिल्ली में बैठे विपक्ष का सहारा बनना चाहती हैं। संसद के मॉनसून सत्र में पेगागस जासूसी विवाद और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल के नेता आज बैठक करने वाले हैं। बता दें संसद परिसर में होने वाली इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भी बताया कि विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से पेगागस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों के नेता एक संयुक्त बैठक भी करेंगे। साथ ही राज्यसभा के अंदर और बाहर पेगागस जासूसी, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र के खिलाफ एकजुट होता भी दिखेगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार कितना भी अड़ियल रवैया अपना ले, हम केंद्र के खिलाफ एकजुटता से खड़े होकर जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर संसद में आवाज बुलंद करते रहेंगे। उच्च सदन में मंगलवार को भी विपक्ष ने पेगागस, कृषि कानून, महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे। साथ ही सदन स्थगित होने पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आनंद शर्मा, डीएमके से तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस से सुखेंदु सिपाही से बियॉन विश्नम और सीपीएम से इलिमा राम करीम, आरजेडी से मनोज झा, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने बाहर आकर अपनी बात रखी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।